दोस्तों वीडियो स्टार्ट होती है और हमको इसी भी प्रद्युम्न और सभी सीआईडी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में किसी को ले जा रहे थे। और जब अभिजीत सर डॉक्टर से कहते हैं कि दया को कुछ होना नहीं चाहिए, तब हमको मालूम पड़ता है वो कोई और नहीं दया होते हैं। डॉक्टर अभिजीत से कहते हैं कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता और यह कहकर वो चले जाते हैं। और जब हमको सभी सीआईडी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, सभी सीआईडी ऑफिसर्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं और दया की देखभाल करने के लिए श्रेया मैम वहीं पर रुक जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पूरी भी आती है, वो कहती है कि आपने सुबह से कुछ नहीं कहा, लो पानी पी लो। तो श्रेया मैम कहती है कि मैं पानी नहीं पी सकती। तो पूरी मैम पूछती है क्यों, आप पानी क्यों नहीं पी सकती। तो श्रेया मैम कहती है कि मैंने व्रत रखा हुआ है। तो पूरी मैम कहती है क्या तुमने दया सर के लिए व्रत रखा हुआ है। तो श्रेया मैम हाँ कर देती है और उसके बाद पूरी भी श्रेया को बाहर ले जाती है। और थोड़ी देर बाद ही दया को भी होश आ जाता है और दया सर जल्दी से उस बेड से उठते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल चुका होता है, इसलिए वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख दें। धन्यवाद।